हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन और आपका स्वागत है आज की किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं पीवी सिंधु की पूरी कहानी। पीवी सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में रजत पदक जीतकर पहली भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड बनाया है। पीवी सिंधु उर्फ पुसरेला वेंकट सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को पिता का नाम पीवी रामाना और मां का पी विजया के यहां हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता एशियाई खेलों में भारत के तरफ से खेलते हुए साल 1986 में वॉलीबॉल में कांस्य पदक जीत चुके हैं। पीवी सिंधु ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ऑक्सिलियम हाई स्कूल सिकंदराबाद में प्राप्त की, जो कि हैदराबाद में ही स्थित है, और आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने सेंट एन कॉलेज फॉर वुमेन मेहंदीपट्टनम हैदराबाद में दाखिला लिया और एमबीए की डिग्री प्राप्त की। इनके माता पिता वॉलीबॉल खेल राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए खेल चुके थे, लेकिन पीवी सिंधु की झुकाव वॉलीबॉल खेल की तरफ ना होकर बैडमिंटन की तरफ था। इसका मुख्य कारण बने पुलेला गोपीचंद, जो साल 2001 में ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन बने थे। पीवी सिंधु ने मात्र 8 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू की थी। पीवी सिंधु बैडमिंटन में महारत हासिल करने के लिए शुरुआती ट्रेनिंग के लिए इन्होंने इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेली कम्युनिकेशन में दाखिला ले लिया, जो कि सिकंदराबाद में ही स्थित है, और वह इन्होंने महबूब अली से बैडमिंटन की कुछ मुख्य बातें सीखी और अपने खेल में निखार लाई। बैडमिंटन गेम की आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए इन्होंने अपने मार्गदर्शक और अपने गुरु पुलेला गोपीचंद की गोपीचंद बैडमिंटन अकादमिक में शामिल हो गई। पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। इसके अलावा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार जीत दर्ज करके पहली बार इस खिताब को प्राप्त किया है। डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 8 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला एकल के फाइनल बैडमिंटन मैच में कनाडा की मिशेल ली को हरा भारत को स्वर्ण पदक दिलाई। सिंधु के करियर का यह पहला राष्ट्रमंडल खेलों का एकल स्वर्ण है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सिंधु साल 2018 एवं 2019 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में अपनी जगह बनाई है। किसी खिलाड़ी के सफल होने का पता उसके जुनून से लगाया जा सकता है। ये जुनून पीवी सिंधु में कूट कूट के भरा हुआ है। इन्होंने छोटी उम्र से अपना करियर शुरू करते हुए साल 2009 में सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया था, और इसके बाद साल 2010 में इन्होंने ईरान फोर्स इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज कांस्य पदक जीता। यह बैडमिंटन चैलेंज सिंगल कैटेगरी में था। पीवी सिंधु टोक्यो में आयोजित ओलंपिक में हिस्सा ले रही थी और स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। हालांकि चीनी खिलाड़ी चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने सेमीफाइनल में 21-18 21-12 से हराकर भारत की स्वर्ण पदक पाने की उम्मीद को भी खो दिया। पीवी सिंधु बेशक स्वर्ण और रजत पदक की दौड़ से बाहर हो गई थी, लेकिन रविवार 1 अगस्त 2021 को हुए मुकाबले में इन्होंने चीनी खिलाड़ी ही बिंग जियाओ को सीधे सेटों में हराकर कांस्य पदक भारत के नाम कर लिए थे। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इतने में ही आज की किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई किस्सों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।